मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आखिरकार यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया। कद के हिसाब से पद न मिलने के चलते अपर्णा इस जिम्मेदारी से खुश नहीं बताई जा रही, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात उनकी हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये पद ग्रहण कर लिया। इस मौके पर अपर्णा यादव ने कहा कि वो नाराज नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी बात रखी। महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अपर्णा जी, हमने लगातार देखा है महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, साथ ही साथ अभी प्रोटेस्ट में जिस तरीके से आपने पूरी भागीदारी ली थी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, अब महिलाओं के लिए आगे भी और क्या कुछ योजनाएं और काम करेंगी? सर्वप्रथम मैं अपने संगठन का और उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और आयोग की कुछ प्रतिबद्धताएँ हैं, मैं उस पर उसका लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा स्टडी करूँगी। और जो है लगातार 2013 से आप देख ही रहे हो मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो कह सकते हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एड्रेसल हो सबसे पहले, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होगी। और उसके बाद हम ये इस पर फोकस करेंगे कि जो पेंडिंग भी मामले पड़े हैं उसका निस्तारण हो, तो इस पे मेरा फोकस रहेगा। बाकी हम अपनी टीम के साथ ज्वाइंट डिसीजन लेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे डिस्कशन के, क्योंकि अभी हमारी एक कोई फॉर्मल सारे सदस्यों की और अध्यक्ष की और भी जितने पदाधिकारी उनकी मीटिंग नहीं हुई, तो वी विल डिसाइड अपॉन दैट। मैम, ऐसी चर्चाएं सुनने में आई थी, क्योंकि महिला आयोग अपने आप में बड़ा पद है, लेकिन चर्चाएं ऐसी आई थी कि कुछ नाराजगी है, आप मुख्यमंत्री से मिली थी, लेकिन आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि आप शुभ मुहूर्त का वेट कर रही थी और उसके बाद आपको मैं सोचनेगी भाई वो थी मेरे साथ नम्रता पाठक जी, तो मैंने उन्होंने बोला कि भाई राधाअष्टमी के दिन ज्वाइन कर लीजिए अच्छा रहेगा। बाकी बातचीत होती रहती है अपनी, सब बड़े हैं मेरे और जो है मार्गदर्शन चलता है, बातें होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं नाराजगी, ठीक है, बातचीत होती रहती है और परिवार में ये सब चलता रहता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अपर्णा यादव को, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ, मैंने निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। आतंकी मंसूबों के तहत कालिंदी एक्सप्रेस को